वो इस देश में जो उदारवादी नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां हैं, वो जिस तरीके से लगातार मजबूत होती जा रही हैं और जिस बेशर्म तरीके से सरकार इन नीतियों को लागू कर रही है उसका नतीजा है। और सरकार सुन नहीं रही है। हमारे साथियों ने आपको बताया कि वो इतने बेशर्म हो गए हैं कि वो नहीं चाहते हैं। अभी अनिल संगोपाल जी ने आपको बताया वो फैसला सुनाते हुए कि न्यायाधीशों ने भी कहा कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र वो जो कहेंगे, जो आरएसएस कहेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहेंगे वो लोकतंत्र है, जो जनता कहेगी वो लोकतंत्र नहीं। और अब वो एक और तरीका लेकर आ गए हैं इन तमाम सारे गरीबों के खिलाफ कानून बनाने का, वो है स्मार्ट सिटी। एक स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है मध्य प्रदेश और इस देश की सरकार। करीब 100 स्मार्ट सिटी यानी बहुत अच्छे शहर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें गरीब का नामो निशान नहीं रहेगा, जिसमें गरीब को रहने का अधिकार नहीं रहेगा। और न केवल गरीब को रहने का अधिकार नहीं रहेगा बल्कि उस शहर में लोकतांत्रिक जो भी पद्धतियां हैं, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई नगर निकाय है उसका भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। यह है स्मार्ट सिटी। और यह स्मार्ट सिटी भोपाल भी बनने जा रहा है, इंदौर भी बनने जा रहा है, जबलपुर भी बनने जा रहा है और भी तमाम सारे शहर बनने जा रहे हैं। तो ये जो चीजें इस देश में हो रही हैं उसके खिलाफ हमको एकजुट होना पड़ेगा। हम नर्मदा बचाने के लिए लड़ते हैं, हम सीधी के जो आदिवासी हैं वो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं, छिंदवाड़ा के किसान अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ते हैं, और दूसरी तरफ हमारे शहर के जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो अपनी झुग्गी बचाने के लिए लड़ते हैं। इन सबको एक होना पड़ेगा। बहाने कुछ भी हो सकते हैं। कभी कोई कहता है बांध बनाना है इसलिए हम बता रहे हैं। कभी कोई कहता है कि हमको परमाणु संयंत्र स्थापित करना है इसलिए हम हटा रहे हैं। कभी कोई कहता है कि वो सरकारी जमीन है इसलिए आपको हटा रहे हैं। और हमारे यहाँ भोपाल में वो ये कहते हैं कि आप BHEL की जमीन पे अवैध कब्जा बनाए हुए हो और आप BHEL की जमीन में के ऊपर जो बिजली की तार जा रहे हैं उससे बिजली की चोरी कर रहे हो इसलिए हम आपको हटा रहे हैं। अरे तो किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था कि हम चोरी करेंगे, हमें आप मीटर दे दो। मजेदार बात यह है कि हमसे टैक्स लिया जाता है, जमीन का टैक्स लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि नगर निगम में आपने हमारी जमीन को हमारे नाम से इंदराज कर लिया है और जब इंदराज कर लिया है तो हम उसके मालिक हुए और जब मालिक हुए तो हमको तमाम सारे अधिकार दीजिए, लेकिन नहीं, अधिकार नहीं देंगे। तो ये जो तमाम सारा घोटाला चल रहा है, ये तमाम सारा जो धांधली चल रहा है उसका सबसे ज्यादा शिकार हमारे देश का गरीब हो रहा है। हमको इस गरीब को अपने अधिकारों को समझते हुए अपनी लड़ाई को दूसरे गरीबों की लड़ाई से जोड़ना पड़ेगा। मजदूर 2 सितंबर की हड़ताल करता है पूरे देश में अपने अपने अधिकारों को लेकर, न्यूनतम वेतन को लेकर, और उसके साथ ही साथ जब किसान करता है अपनी जमीन को लेकर। ये दोनों लड़ाइयों को हमको एक करना पड़ेगा। पूंजीपति योगी है चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, वो सब एक है। वो सब सरकार से पैसा लेते हैं अपने लिए कानून बनाने के लिए,